हाय हेलो नमस्कार मुझे आपको स्वागत करुच्ची विज्ञानसी चैनल को तो पुणी गोटे अपडेट वीडियो रे आपन को वेलकम करुच्ची। आज इंटरेस्टिंग वीडियोटी आपण माने जानिथिबे आमर आपणकर एडमिशन रे नर्सिंग एडमिशन रे आपणकर रिजर्वेशन किछ रखा जाय छी। रिजर्वेशन जेमिति कि आपण मानकर एससी को पई बा आपणकर एसटी को पई देन आपणकर आसीला आपणकर जनरल आउ आपणकर रहला PWD दैट इज फिजिकल हैंडिकाप्ट देन तापर रहला आपणकर ग्रीन कार्ड होल्डर देन तापर रहला आपणकर दैट इज एक्स सर्विसमैन। तो यही सब कैटेगरी अनुजाई आपणकर रिजर्वेशन करा जाय छी। तो आज आम देखा ये सब आसू कैटेगरी रे SC ST यूआर आउ ए सब आसू सब कैटेगरी ओके ये जो रहला PWD ग्रीन कार्ड होल्डर एक्स सर्विसमैन। तो आज आम ए विषय कथा हबा के कौ कास्ट पाई बा कौ कैटेगरी पाई सब कैटेगरी पाई केते परसेंट रो रिजर्वेशन रखा जाय छी। ठीक अछि तो ठीक अछि। आउ ओबीसी पिला माननको पाई रिजर्वेशन अछि ना नाही एटा भी मध्य आज हमें डिस्कशन करबा। आ जदी रिजर्वेशन अछि केते अछि तो सेटा भी मध्य आज हमें डिस्कशन करबा। तो ठीक अछि जदी प्रथम थर पाई चैनल को विजिट करथांदी देन निश्चित चैनल को सब्सक्राइब करनतु आ वीडियो गुड निश्चित गोटे लाइक आ गोटे वैल्युएबल कमेंट देकी जानतु ओके। तो ठीक अछि हमर बीएससी नर्सिंग रो आपण माने जानथिबे रिजल्ट तो आसी नाही जेहेतु आपण मानकर जो ओबीसी लिस्ट आसीथिला ओबीसी लिस्ट जो आसीथिला सेथिरे आपण मानकर देइछि 17 तारिख बा 17 अगस्त भितरे आपण मानकु जदि भी किछि जो लिस्ट रे असुविधा अछि बा किछि भी नाम फा जहां भी स्पेलिंग बेलिंग किछि भूल अछि देन तांको ए जीमेल नंबर रे कांटेक्ट करिवे 17 तारिख सुधा ओके। तापर आपण मानकर आसीबो रिजल्ट बोली सेठी मेंशन करछि ओके। देन आमे जिबा आपणकर कोन ना दैट इज आपणकर केते परसेंट रिजर्वेशन ओके। तो ठीक अछि आमे डायरेक्ट जिबा प्रोस्पेक्टस दैट इज 2024-25 ओके। तो 2024-25 रो प्रोस्पेक्टस आपण को कोन कहूछि देखंतु एठी गोटे पॉइंट अछि ई पॉइंट रे रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कहिले कोन ना तुम पई केते माने रखा जाय छी तुम पई रिजर्वेशन केते रखा जाय छी बा तुम पई सीट केते रखा जाय छी। तो आपण मानक संरक्षण सीट के रिजर्वेशन जोटा कि आम ओडिया कहते संरक्षित बा संरक्षण केते रहुची ओके। देखिबा फास्ट आपणकर आसला कौन ना एसटी के दैट इज शेड्यूल ट्राइबल जोटा कि आम शेड्यूल ट्राइब जोटा कि एसटी पिला रोचे देखो शेड्यूल ट्राइब पिला 22.5 ओके। ताने 100% रू से पाइबे 22.5 मुझक बहुत शीघ्र सीट रिजर्वेशन पर गोटे भिड़ आणुची आपण मैंने देखते ये पाइले 22.5 एससी पिला पाइले केते दैट इज शेड्यूल कास्ट पिला 16.25% पाइबे ओके 16.25 देन देखु ये आपणकर जनरल किसी लिखाही कि लिखाहीना। तो ये कौन हम यहाँ मुझ सब नर्सिंग कोर्स कहूँ बीएससी हो आपर एएनएम जीएनएम जहाँ भी हो ठीक अच्छे। तो देखु आपण मानकर ये पाईगले 22.5 ये पाईगले 16.25 आउ के बढ़ला आउ बढ़ला 61.25 पाइबे को माने जनरल पिला माने जनरल पिला पाइबे 61.25 रिजर्वेशन आसला एसटी पिला माने 22.5 16.25 आसला एससी पिला माने पई एतिक को आपण माने मिसेई देबे देखिबे 100% हेइ जिवो बुझियाला भाबुजी बुझी पारले। देन जिबा हमर ये सब आसला आपणकर कैटेगरी ओके मन रखंतु ये सब आसला आपणकर कैटेगरी एबे आमे जिबा सब कैटेगरी ओके। कैटेगरी रे अंडर रे आसीबो सब कैटेगरी ओके। सब कैटेगरी पई केते रहूची देखंतु एठी 3 नंबर पॉइंट 5% फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटी दैट इज PWD कैंडिडेट बा हैंडिकैप्ड पिला मन पई रहिला केते ना आपण मानकर 5% देखंतु एठी कोन लिखिची इन ईच कैटेगरी ता माने गोटे जनरल हैंडिकैप्ड जदि पिला अछि ता पई भी 5% जदि गोटे एससी हैंडिकैप्ड पिला अछि ता पई भी 5% जदि गोटे एसटी देन आपणकर फिजिकल हैंडिकैप्ड पिला अछि ता पई भी 5% एथरु सबुथरु 5% नेबे 61.25% जो 25% जनरल अछि से 5% नेबे PWD पिला कि ये जो 22.5 एसटी पिला माने अछंती ता भितरु भी 5% नेबे को पिला दैट इज फिजिकल हैंडिकैप्ड पिला बुझियो जी। देन ता परे आसिला 5% फॉर चिल्ड्रन ऑफ ग्रीन कार्ड होल्डर ओके। तो देखंतु सेई भले हबे 22.5 रु पाइबे 5% को माने ना ग्रीन कार्ड होल्डर माने
ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁ ଆର୍ 61.25 ରୁ ପିଲା ପାଇବେ, ସେଇ ତାରି ଭିତରୁ ପାଇବେ 5% ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଦେନ୍ 3% ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅର୍ ୱିଡୋଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଇଚ୍ କାଟାଗୋରୀ ଅଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ସି। ଇଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଛି 16.25 ରୁ ବା 22.25 ରୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲରେ 61.25 ରୁ, ଏଇଥିରୁ ପାଇବେ 3%। କେଉଁମାନେ ନା ଏକ୍ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଥିରୁ ବି ପାଇବେ 3%, ଏଥିରୁ ପାଇବେ 3%, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା 5, 5, 3 ବା 5, 5, 10, 3, 13% 13% ପାଇବେ 22.5 ରୁ, 13% ପାଇବେ 16.25 ରୁ, 13% ପାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା 61.25 ରୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ 100% ସେତେବେଳେ ଧରାଯିବ। ଓକେ, ଭାବନ୍ତୁନି କି ଏଇ ଯେଉଁ 22.5 ରୁ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ 10% 13%, ଏଇଟା ଗୋଟେ 100% ଧରାଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଯେତିକି ସିଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ 100% ଧରା କରିକି 5%, 5%, 3% ନିଆଯିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଖାଲି ଏତିକି ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 22.5 ପିଲାମାନେ ସିଟ୍ ପାଇଲେ, ମନେକର ଏସ୍ ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା 200 ସିଟ୍। ଓକେ, ଏଇ 200 ସିଟ୍ରୁ 5% ପାଇବେ କେଉଁମାନେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲା, 5% ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର ପିଲା, ଆଉ 3% ପାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପିଲା, ବୁଝିହେଉଛି। ଏମିତି ହିଁ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଓବିସି ପିଲା କୁଆଡ଼େ 5% ପାଇବେ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ଓବିସିର 5% ସେମିତି କିଛି ବି ରୁଲ୍ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ବି ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ତ ଓବିସିରେ କେବଳ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ମାର୍କ ବା ପାସିଂ ମାର୍କକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ। ଓକେ, କେବଳ ପାସିଂ ମାର୍କକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 5%। ଓକେ, ସେଇ ଓବିସି ପିଲା ବି ସେଇ ଜେନେରାଲ ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ତାଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡିକ୍ଲାର କରିନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଡିକ୍ଲାର କରିନାହିଁ, କେବଳ ପାସ୍ ମାର୍କ ଉପରେ ଡିକ୍ଲାର କରିଛି। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।